हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल सीधा है, मोबाइल स्क्रीन सीधा रखिएगा नहीं तो साफ नहीं दिखेगा। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन सिकंदराबाद के। देखिए साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आती है, ये देखिए इस तरह के 1 2 3 4 जल्दी जल्दी में मैं ये दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकती हैं, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ। ये देखिए पाँचवा एम्पियर से रिलेटेड क्वेश्चन, छठा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, सातवां छोड़ दीजिए, आठवां देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं शंट से रिलेटेड डीसी वाले, आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकती हैं, लास्ट में आंसर मैंने दे दिए हुए हैं। नौवां देखिए इन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, दसवां डीसी मोटर से रिलेटेड, ग्यारहवां देखिए फेज से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं समांतर श्रेणी में, बारहवां देखिए प्रतिवर्ती धारा से रिलेटेड तो पूछे जाएंगे, देखिए कुंडली से रिलेटेड पूछे जाते हैं इस तरह के, चौदहवां छोड़ दीजिए कुलाम वाले हैं ये भी आते हैं हालांकि, विद्युत रोधी पंद्रहवा देखिए, आगे देखिए सोलहवा भी वास्तविक, मतलब आप लोगों को देखना है किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ वो दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ूंगा नहीं पूरा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 19वां ओम से रिलेटेड, 20वां चुंबकीय वाहक बल से रिलेटेड, कुंडली से रिलेटेड 21वां देखिए, परिपथ से रिलेटेड 22वां, 23वां देखिए सेलों से रिलेटेड क्वेश्चन, वीडियो को रोक के आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, लास्ट में आंसर भी दिए हुए हैं देख सकते हैं आप लोग। 25वां देखिए प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिपथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26वां देखिए शक्ति मापने की, 27वां आगे देखिए 28वां देख सकते हैं, 29वां प्रतिरोध से रिलेटेड, 30वां दुष्ट धारा से रिलेटेड, 36वां देखिए 32 देखिए आदर्श डीसी जनरेटर क्या है, देखिए 33वां चालकता से रिलेटेड क्वेश्चन, 34 प्रतिरोध से, 35वां देखिए वोल्ट से प्राइमरी सेल से, 36 देखिए प्रतिरोध, 37 देखिए पावर ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन, 38 देखिए ट्रांस रजिस्टर, 39 देखिए पोल, 40वां देखिए, 41 देखिए, 42वां देखिए प्रतिविद्युत घनत्व आर्क वेल्डिंग, जहाँ भी आप लोगों को पढ़ना हो वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं, 12 सेकेंड बाद पेज बदल रहा है, 44 देखिए क्रोधहीन प्रेरण, ये देखिए इस तरह से मतलब क्वेश्चन देने से फ़ायदा ये होता है कि कम समय में बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्टेपिंग, मेरा मेन मकसद यही है कि जब आप बुक पढ़ रहे हो तो आप लोगों को टॉपिक बताओ, ये नहीं कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्वेश्चन पेपर, जल्दी जल्दी टॉपिक देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए अल्टरनेटेड से रिलेटेड 53वां देखिए इस तरह के क्वेश्चन, 54वां इस तरह के छोड़ दीजिएगा, 54वां 55वां क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होते हैं नहीं निकल पाते, सिर्फ आप लोग टॉपिक देखिए यहाँ पे क्योंकि बुक सभी के पास है मैं जानता हूँ। ये देखिए अल्टरनेटर रोटर 57, पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो को रोक के आराम से रोक के पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वीडियो को भी नहीं रोक के पढ़ सकते। ये देखिए 59 टरबाइन पंप, 60 देखिए गलत कथन को भी चुनना होता है, ELP का ये टेक्नीशियन का, मगर साइंस और मैथ तो देखिए ग्रुप डी के लिए भी सेम ही रहता है। आगे देखिए 61 62 स्थिर विद्युत प्रतिबल, 63 चालक पे, 64 देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, 65 66 ये बहुत पुराने का है, इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, अब हालांकि थोड़ा आसान हो चुका है, अब साइंस के और मैथ या रीजनिंग के पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग साइंस वाले देख लीजिए मेन, ये देखिए साइंस के किस किस तरह के पूछे जाते हैं, सिर्फ देखना है आप लोगों को, पढ़ना नहीं है, ताकि आप लोगों के दिमाग में रह सके कि हाँ भाई इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन, लैंप का सामान्य पावर हाउस प्रदीपित डेबाई मापक क्या है, देखिए सारा देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के आते हैं टॉपिक, साइंस के देखिए वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के सारे करंट अफेयर्स में देखिए क्या क्या पूछा गया है, जितने भी करंट अफेयर के जो भी नियुक्तियां होती है वो पता होना चाहिए, कौन मर रहा है, कौन सी किताब लिखी गई है, सो स्पोर्ट्स में ये सारा कुछ जो है वो कवर किया जाता है मिसाइलों में। आगे देख सकते हैं आप लोग संरक्षित प्रतीक परीक्षण यानी कि रीजनिंग में किस तरह के पूछे जाते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्शन वाले देखिए पूछा ही जाता है डायरेक्शन वाला, आगे देखिए इस तरह के 87 88 देखिए ये 88 पूछा ही जाता है, 89 देखिए कोड देना होता है, 90 देखिए उसी तरीके से कोड वाले क्वेश्चन, 91 देखिए मैथ का, 92 देखिए
93। देखिए किस तरह के आपने पूछे से तीन गुना, मतलब जो टेस्ट की तैयारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये ना हो कि आपको पता ही ना हो। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं 94, 95, ये देखिए सारा देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि मैथ्स की बुक पढ़ते समय या साइंस की बुक पढ़ते समय आप लोगों को कौन से टॉपिक्स का ध्यान रखना है। साथ ही आप वीडियो को रोक के अगर पूरे क्वेश्चन पढ़ना चाहें तो वो भी पूरे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि टाइम की बचत होती है, कम समय में जो है वो क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। ये देखिए सारे उत्तर जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो ये था सिकंदराबाद का, सिकंदराबाद की मैरिट जो कि काफ़ी हाई है।